इस बीच में एक बड़ी खबर है जहां छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है, जहां पर 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि cgbsc.nic.in पर रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं और साथ ही result.cg.nic.in पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। अगर हम बात करें क्लास 10th और 12th की, जहां पर लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी और साथ ही बोर्ड परीक्षा में फिर से एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है और साथ ही हायर सेकेंडरी में 80.74% छात्र पास हुए हैं। इस बीच हमारे साथ सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रही हैं। सत्या, तो आखिरकार इंतजार था बच्चों को उनके रिजल्ट का और आखिरकार 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया, क्या कुछ कहता है रिजल्ट और कितनी खुशी रिजल्ट के बाद? बिल्कुल, अगर देखिए जो है बच्चे जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो गया और 10वीं 12वीं का जो है रिजल्ट अभी जारी किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ परसेंटेज जो है बताया गया है कि किस तरह से परसेंटेज बताया गया, उसमें 10वीं के जो है 75% अंक है और 12वीं की का जो है 80.7% जो है परीक्षा जो है जारी कर दिया गया और टॉपर जो है 10वीं का जो टॉपर है वो एक जो है लड़की है जो जसपुर का है और वही टॉप लिस्ट अभी जारी। शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट को लेकर के बच्चे कितना उत्साहित हैं और ऐसे में जो सफल हुए हैं बच्चे उनमें जाहिर है खुशी ज़रूर होगी और वो इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से रिजल्ट का, लेकिन जो इस एग्ज़ाम में असफल हुए हैं वो निराश ना करें, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है और ऐसे में हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे बच्चों पर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर ना डाला जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो रिजल्ट है जारी हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल का रिजल्ट 2 मार्च से 21 मार्च तक परीक्षा जो कि आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट आज आ चुका है और साथ ही छत्तीसगढ़ में 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे वो 1 से 23 मार्च 2024 तक परीक्षा आयोजित की गई थी उसका भी रिजल्ट सामने आ चुका है। तो ये तमाम जानकारी सामने आ रही है और माना जा रहा है कि जो रिजल्ट है इसमें हायर सेकेंडरी में 80.74% छात्र पास हुए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट को आप cgbsc.nic.in पर आप चेक कर सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। जी, एक बार फिर से लड़कियां आगे निकल गईं। 10वीं का रिजल्ट जो कि 75.64% रहा है, 12वीं का रिजल्ट 80.74% रहा। 12वीं में 255,000 छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी थी और जो जानकारी सामने आई है उसमें आपको बता दें कि 12 में 80.74% छात्र पास हुए हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी सत्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। सत्या, अब तक आवाज पहुंच रही है? देखिए जो है रिजल्ट जारी किया जा रहा है और अभी 10वीं 12वीं का जो है पासिंग जो परसेंटेज है कितना रिजल्ट ये बताया गया है, उसके अनुसार जो है 75% जो है 10वीं का गया है और वही 12वीं का है 80% गया है और अभी जो है टॉपर का लिस्ट आना बाकी है। अभी जो है टॉपर का लिस्ट जो है जारी किया जा रहा है, कुछ ही देर में हमारे सामने होगा और ये जो है 12वीं में जो टॉप गई है महक अग्रवाल है जिसका परसेंटेज 487 नंबर लेकर जो है वो फर्स्ट रैंक जो है बनाई है, प्रथम स्थान में टॉप में है जो है महक अग्रवाल है और ये जो है वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल जो है सरायपाली यानी महासमुंद की जो है ये टॉपर है और नवीन अग्रवाल पूजा अग्रवाल इनके जो है फादर हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें तो अभी जो है 12वीं के टॉपर का जो है लिस्ट जारी किया जा रहा है। सेकेंड रैंक में है गोपाल है सेकेंड रैंक में 485 अंक के साथ। तो दूसरे नंबर पे है जो है ये बलौदा बाजार है स्वामी आत्मानंद स्कूल से है और तीसरे रैंक पे जो है प्रीति है जो 484 नंबर है और तीसरे रैंक पे दो टॉपर है उसमें जो है आयुषी गुप्ता है जो 484 मतलब दोनों का सेम अंक है और दोनों
तीसरे स्थान पर जो है हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें तो जो है पूरे जो है चौथे जो है रैंक पे है समीर कुमार है, ये धमतरी का निवासी है, गवर्नमेंट हायर स्कूल जो है का है और सरकारी स्कूल का बच्चा है और ये जो है 96.6% है और इनका टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 483 नंबर इसका जो है आया है और समीर कुमार जो है चौथे नंबर पर है। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है लिस्ट जारी किया जा रहा है और स्थिति जो है तीसरे नंबर पे है, जो है तो दो लोग जो है तीसरे नंबर पे है टॉप में 10वीं 12वीं का और रिजल्ट जारी करने का दौर जारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है, एक एक करके टॉपरों का जो है नाम जो है घोषित किया जा रहा है और जो है विद्यार्थियों का जो इंतजार था उत्खंत हो गया। और पांचवें नंबर पे अगर बात करें तो 800 करके है, तीन जो है विद्यार्थी पांचवें नंबर पे है, 480 नंबर के साथ 480 तीनों का सेम रैंक है। तो इस तरह जो है रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है और अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत इस बार 10वीं का रिजल्ट कम है और कहीं ना कहीं 12वीं के रिजल्ट में सुधार नजर है जी। लेकिन 12वीं का आपने ये जानकारी दी कि 10वीं में जशपुर की सिमरन जो कि टॉपर रही हैं सत्या, 10वीं में गरियाबंद की हुनिशा ने दूसरी रैंक हासिल की है, यानी कि एक बार फिर से जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है, लड़के कहीं ना कहीं पीछे छूट गए इस बार भी। बिल्कुल, अगर पूरे टॉप 10 की बात करें तो लगभग लड़कियों ने जो है टॉप 10 में जो है अपना कब्जा जमा लिया है और इस तरह से हम अगर हम बात करें तो 12वीं में भी वही स्थिति है और 10वीं में वही है, ज्यादा टॉपर जो है लड़कियां हैं। और जो है अगर हम बात करें तो ये 12वीं के जो है 8वें रैंक पे 477 के साथ 95.40% के साथ जो है कनक वो है 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे तीन विद्यार्थी है, तीनों का जो अंक है सेम है 476 नंबर है और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जो है 95% है। और वही 9वें नंबर पे जो है नीरज शर्मा है, 10वें नंबर पे दो विद्यार्थी है जो भावना साहू है और निधि है, तो ये दोनों का अंक जो है 475 है। और अगर हम इस तरह से बात करें तो डबल डबल जो है बच्चे जो है सेम अंक लाकर एक स्थान प्राप्त किए हैं, तो मेरिट सूची जो है जारी किया गया है जी। सत्य अगर हम बात करें टॉपर की सिमरन की जो कि जशपुर की रहने वाली हैं, 10वीं में उन्होंने पूरे टॉप किया है प्रदेश में, कितने नंबर्स हैं, नंबर्स की अगर हम बात करें क्या नंबर्स को लेकर कोई जानकारी सामने आई है अभी? जी सत्य, नंबर्स को लेकर क्या जानकारी कि नंबर्स क्या हैं सिमरन के? देखिए रिजल्ट जारी है और आप हम बातचीत करेंगे और सचिव भी मौजूद है और मौजूद है और चेयरमैन जो बोर्ड के चेयरमैन है वो भी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं जी। मैडम 10वीं 12वीं बोर्ड का जो है परीक्षा परिणाम जारी हो गया, दोनों का क्या रिजल्ट रहा है? दोनों का रिजल्ट अभी जैसे हमने डिस्प्ले किया यहाँ पे जो है हाई स्कूल का हमारा जो प्रतिशत है 75.61% और हायर सेकेंडरी का 80.74% रहा है। कितने बच्चे हैं टॉप 10 दोनों में है? टॉप 10 की संख्या देखनी पड़ेगी। तो इस तरह अगर हम बात करें मैम तो जो है अगर बात करें तो लड़का ज्यादा टॉप 10 में ही या लड़कियों ने फिर छात्राओं ने बाजी मारी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो बाजी मार ली हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का जो है रिजल्ट जारी किया गया है और अधिकारी जो है उनके अनुसार जो है अगर हम बात करें तो लड़कियां 10वीं और 12वीं दोनों में बाजी मारी हैं जी। सत्य, वैसे जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिमरन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसका देखने को मिला है, 99.50% मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। और मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा सत्य, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट जारी किया गया और इस बीच यहाँ पर जो टॉपर्स की जानकारी सामने आई है, सत्या हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जशपुर के श्रेयांश को 3rd रैंक प्राप्त हुई है, 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही हैं। जी हाँ, महक अग्रवाल टॉपर रही हैं 12वीं में। अगर हम बात करें सिमरन की तो सिमरन को 10th में 99.50 अंक प्राप्त हुए हैं, वहीं दूसरी टॉपर 10th में गरियाबंद की रहने वाले हुनिशा हैं और हुनिशा ने दूसरी रैंक हासिल की है। जशपुर के श्रेयांश
जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है दसवीं में। दसवीं और बारहवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है, जहां पर इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है छात्र छात्राओं का, जहां दसवीं का रिजल्ट 75.64% देखने को मिला है। बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी और इसी के साथ जानकारी सामने आई बारहवीं के रिजल्ट को लेकर 80.74% रिजल्ट रहा। हालांकि बच्चों को लेकर पहले भी ये चीज़ कही गई थी, बच्चों जब चर्चा की जाती है बच्चों से, उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा तनाव ना लें और अपनी मेहनत जो है वो पहले से करके रखें, लास्ट मोमेंट में उसको लेकर ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पेरेंट्स को। लेकिन इस बीच जिस तरह से अच्छे नंबर्स बच्चों ने प्राप्त किए हैं, तो समझा जा सकता है किस तरह से बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला है इस परीक्षा परिणाम ये बता रहे हैं। जशपुर के श्रेयांश को थर्ड रैंक मिले हैं और बारहवीं में महासमुंद की रहने वाली महक अग्रवाल टॉपर रही हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब छात्रों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है टेंथ और ट्वेल्थ के। जो बच्चे हैं वो cgbsc.nic.in पर नतीजे देख सकते हैं और साथ ही एक और वेबसाइट है जिस पर नंबर अपना रिजल्ट देखा जा सकता है। आपको बता दें कि छात्र छात्राएं जिनमें 6 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछली बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी, यानी कि एक बार फिर से लड़कियां आगे निकल गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट जो कि जारी हो चुके हैं और एक बार फिर से लड़कियों ने पिछली बार की तरह इस बार भी बाजी मारी है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो अच्छी खासी परसेंटेज देखने को मिल रही है, जहां पर दसवीं में जशपुर की रहने वाले सिमरन शब्बा जिन्होंने टॉप किया है 99.50% अंकों के साथ, उन्होंने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है क्लास टेंथ में। दूसरे नंबर पर रहीं गरियाबंद की हनीशा, दूसरी रैंक हासिल की है, इनके नंबर्स आए हैं 98.83%। दसवीं का ओवरऑल रिजल्ट 75.64% रहा और बारहवीं का रिजल्ट 80.74% रहा। वहीं बारहवीं में भी जहां पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है, ठीक बारहवीं में महक अग्रवाल टॉपर रही हैं, काफ़ी अच्छे उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं महक अग्रवाल ने, और बारहवीं में दूसरी रैंक हासिल की है कौपल अम्बस्ट ने, जी हाँ। और इसी के साथ बारहवीं में तीसरी टॉपर रही हैं दो लड़कियाँ, जी हाँ, तीसरे नंबर पर दो लड़कियों जिन्होंने बाजी मारी है, आयुषी और प्रीति, जो कि प्रीति बलौदाबाजार की रहने वाली हैं और जशपुर की हैं आयुषी, जिन्होंने तीसरे नंबर पर वो रही हैं आयुषी और प्रीति। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास टेंथ की, तो टेंथ में भी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है पिछली बार की तुलना में, माना जा रहा है कि ऐसा है कि सुधार हुआ है। और हालांकि बेटियां फिर से आगे ही निकली हैं, उन्होंने ही बाजी मारी है। जशपुर में श्रेयांश थर्ड रैंक उन्होंने हासिल की है, तकरीबन 98.33% के साथ मार्क्स हासिल किए हैं। और गरियाबंद की हनीशा जो कि गरियाबंद की रहने वाली हैं, उन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है 98.83% के साथ। और दसवीं में जशपुर की सिमरन 99.50% अंक हासिल किए हैं। जिस तरह से इंतजार था इन बच्चों को और आखिरकार रिजल्ट सामने आ चुके हैं, मार्च में एग्जाम हुए थे और अब मई में इनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने रिजल्ट जारी किया है, ठीक 12:30 बजे टॉपर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। और हालांकि जो बच्चे असफल हुए हैं उन्हें बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।